मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दहिसर पिपरी ग्राम पंचायत ठाकुरपाड़ा में महावितरण बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कई घरों में चोरी के बिजली इस्तेमाल किए जा रहे थे। बिजली विभाग के अधिकारी वागड़े के अनुसार कार्रवाई ठाकुरपाड़ा के गरीब नवाज चाल और सिफा चाल में की गई है। कमर्शियल मीटर निकाल लिया गया है क्योंकि घरों में कारखाने चलाए जा रहे थे। इस दौरान कई घर ऐसे मिले जिसमें कारोबार किया जा रहा था। महावितरण ने ऐसे 20 घरों के मीटर निकाल लिए हैं। घरों से इलेक्ट्रिक से चलने वाले उपकरण भी जब्त कर लिए हैं। 500 मीटर केबल भी जब्त किया गया है, मगर बिजली विभाग कई बार यहां कार्रवाई कर चुका है। लोगों के मीटर निकाल लेने के बाद दोबारा बिजली की चोरी लोग कर लेते हैं और बिजली विभाग के अधिकारी बागड़े से संवाददाता सबिया हुसैन शेख ने क्या बातचीत की है। आज यहां पे बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है और यही हमारे साथ बिजली विभाग के बागड़े सर हमारे साथ मौजूद है। इस पर उनका क्या कहना है, इतनी बड़ी जो कार्रवाई की है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपने जो आज ठाकुरपाड़ा परिसर में जो बिजली विभाग की कार्रवाई की है, इस पर आप क्या कहोगे? जिस तरीके से यहाँ के लोग कमर्शियल सेल का काम करते हैं और आपने कितने मीटर काटे हैं, आप इस पर क्या कहोगे? देखिए, यहाँ पे जो चोरी का प्रमाण है वो 80% है और बार बार यहाँ का जो रात को फ्यूज जा रहा है, हमारे नाइट के लोग जो काम करते हैं ना, तो पूरे उसमें से 90% हमको टाइम खाली ठाकुरपाड़ा के लिए देना पड़ता है, जो कि पॉसिबल नहीं हर वक्त करना। इनके पास अभी जो कम से कम हम लोग यहाँ पे 40 मीटर ऐसे जो निकाले हैं और कम से कम 500 मीटर वायर हमने जब्त किए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर के मीटर के ऊपर अपना धंधे का जो मीटर है वो लगा रहे, इसको कमर्शियल कहते हैं, इंडस्ट्रियल मीटर लगा रहे हैं, जो कि कानूनी गुनाह है। अभी इनके पास सेक्शन 126 के हिसाब से कार्रवाई होगी। वो अगर उसका पेमेंट करेंगे वो हिसाब से इनको इनका जो भी हमने लेके गए मशीनरी वापस मिलेगी और इनको नया कनेक्शन मिलेगा। आपने हर बार यहाँ पे कार्रवाई की है, कभी 15 दिन में, कभी महीने भर में, फिर भी यहाँ के लोग आपके जाते ही वापस से वाइट ज्वाइन कर लेते, इस पर आप क्या कहोगे? इस पर यही है कि इसके बाद हम लोग ने पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी अर्जी दे के रखे हुए हैं कि जो भी बिना लाइसेंस होल्डर कॉन्ट्रैक्टर कुछ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ या बच्चों की मौत हुई, क्योंकि यहाँ पे कोई छोटे छोटे बच्चे हैं या कुछ भी हुआ, तो इनको कभी भी हर्जाना नहीं मिलने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से। क्या होता है कि जो यहाँ पे रहता है उसके ऊपर ही केस होती है, क्योंकि वो इस्तेमाल करता है, बिल्डर कभी भी इस्तेमाल नहीं करता। आपका कहना सही है, लेकिन अभी इस वक्त जो गरीब लोगों ने भाड़े से रूम लिए हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या मतलब विषय बोलना चाहोगे कि आपने जो भी भाड़े से लोग हैं उनको 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट देना है कि मैं यहाँ का भाड़ेकर हूँ, मुझे जब तक मैं हूँ इस रूम में उतने समय के लिए मुझे मीटर दिया जाए। अगर वो रूम छोड़ना चाहेंगे तो उनको मीटर जमा करने का हक है। तो आपने सुना यहाँ पे बिजली विभाग के बागड़े सर का क्या कहना है? यहाँ पे उन्होंने यहाँ के जो रहवासी है जो कि भाड़े के रूम से रहते हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।